Shining in the setting sunlight, Pearl upon the ocean, Come and feel me. Oh, feel me. Think about the love and... Hi, everyone. You might be thinking that how I learned this song automatically in English language, right? So let me tell you this thing. First of all, give me a second. Yeah. So let me tell you this thing that I have done nothing to learn this song. No.

कुछ साल पहले यानी जब मैंने इंग्लिश को बोलना स्टार्ट किया था मुझे एक्चुअली कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला था और तो मैंने बहुत सारी चीज़ें करी और उसके बाद भी मैंने कोई उस तरह नहीं सीखा था और सीखने के बाद भी बोलने जब स्टार्ट कर दिया था आफ्टर दैट आल्सो बहुत सारा मतलब देर वॉस देर वर सो मेनी एरियाज वेयर आई नीडेड टू इम्प्रूव राइट सो मैं आपको एक अपनी एक क्लिप दिखाती हूँ प्लीज़ वॉच दिस वीडियो Uh, as I said, that my name is Dimple, and about my qualification, yes, I have done my qualification. Yes, so you have watched my video. So I hope you noticed that no confidence, no body language, no gesture, right? And voice modulation, nothing like that. So I tell you one thing. बट आपके साथ वो चीज नहीं होने वाली है क्यों आई हैव डन होमवर्क फॉर यू मैंने आपके लिए होमवर्क करके रखा है आपके थर्टी डेज का कंप्लीट प्लान रेडी करके रखा है और विद सोल्यूशन आपके पास कोई पार्टनर नहीं है आप क्या बोलें क्या सुने हर चीज के सोल्यूशन के साथ मैंने आपके लिए हर चीज रेडी की है बहुत रिसर्च एक्सपीरियंस और येस yes, मैंने ये अपने स्टूडेंट्स पे जो ट्रिक है वन मंथ की यूज करने के बाद ही आपके पास आई हूं ओके okay? सो so, आप इस वीडियो को एंड तक देखना और इस पूरे प्लान को लेकर जाना न, जो भी एक्टिविटीज या जो भी मैंने आपके लिए प्लान की है आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और इस अकॉर्डिंगली आप इसको करना ओके सो दिस इज ओनली थर्टी मिनट्स अ डे आपको करना है यू हैव टू स्पेंड ऑन लिसनिंग स्पीकिंग एंड इट विल नॉट टेक सो मच टाइम राइट आई मीन आप कोई डिग्री लेते हो ग्रेजुएशन करते हो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो फोर ईयर स्पेंड करते हो अपनी डिग्री के लिए राइट एंड क्या आप एक लैंग्वेज जो आपको सीखनी है जो आप चाहते हो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे पता है कि आप इस लैंग्वेज को बोलना भी चाहते हो ठीक है सो so, इसके लिए क्या आप डेली के थर्टी मिनट्स नहीं स्टार्ट कर सकते हैं वन मंथ के लिए बिकॉज वंस यू स्टार्ट दिस ऑटोमेटिकली यू विल कम इन दिस जोन मतलब आप इस जोन में एंटर कर जाओगे और इस जोन में एंटर करने के बाद यू विल स्टार्ट लविंग दिस लैंग्वेज फॉर श्योर आई प्रोमिस यू आप इस लैंग्वेज को प्यार करने लगोगे और आपको क्योंकि जब आप बोलने लगोगे और जब आप अपने अंदर चेंजेस देखोगे जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी उसके बाद आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि मैं कैसे करूं या कैसे नहीं वंस यू एंटर इन दिस जोन यू विल स्टार्ट डूइंग थिंग्स ऑटोमेटिकली एवरी थिंग विल बी फिक्स ओके हर प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी क्यों क्योंकि आप अभी तक डर रहे हो आई मीन यू

मेक यू डू प्रैक्टिस इन ऑन स्पीकिंग लिसनिंग सो वो भी आपको प्रैक्टिस ही ज्यादा कराते हैं तो आप प्रैक्टिस ही करो आप ये थोड़ी देर के लिए ग्रामर को साइड में रख दो ठीक है हम जो मैंने आपके लिए प्लान बनाया है इसमें कोई ग्रामर नहीं है इसमें मैं आपको दूसरे वे से विदाउट ग्रामर मैं आपको इंग्लिश टीच करनी हूं मतलब बता रही हूं स्टडी प्लान दे रही हूं अगर आप इस प्लान के अकॉर्डिंग जाते हो इफ यू गो अकॉर्डिंग टू दिस प्लान इफ यू डू ऑल द थिंग्स इफ यू डू नॉट मिस अ सिंगल डे देन डेफिनेटली यू आर गोना स्पीक दिस लैंग्वेज आई एम नॉट दैट यू विल बी सो फ्लॉलेस इन दिस लैंग्वेज ओके कि आप बिल्कुल नेटिव स्पीकर की तरह बोलोगे आई एम नॉट प्रॉमसिंग यू दिस थिंग बट येस आई एम एम यू दिस थिंग वंस यू डू दिस थिंग फॉर श्योर विदाउट स्कीपिंग अ सिंगल डे

and in this video i'm going to give you complete study plan for 30 days okay just implement this and one more thing this is uh, my gift for you for 2024 and in advance happy new year to all of you many many blessings and so much uh, love for you all god bless you may you get a good life healthy life with the happiness okay so let's start this video हमें स्टडी प्लान को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ओके नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू फॉर द स्टडी प्लान ओके सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से दैट दिस इज योर स्टडी प्लान दैट यू हैव टू फॉलो फॉर द नेक्स्ट थर्टी डेज आई मीन दिस यू कैन डू फ्रॉ इन द फर्स्ट मंथ ऑफ जनवरी एज इट इज माई गिफ्ट फॉर यू फॉर द कमिंग ईयर टू ओके सो वट यू हैव टू डू यू हैव टू स्टार्ट लिसनिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज डेली

Uh, कुछ ऐसी चीजें मिले ओनली लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए किड्स कार्टून होते हैं और आपकी प्रोनाशिएशन के लिए आपके वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप राइम्स uh, भी सुनो ओके okay, सो so मैं अपनी डॉटर को जब भी राइम्स सुनाती हूँ मैं भी उसके साथ बोलती हूँ एंड आई वी बहुत एन्जॉय सो मच सो हम ऐसा करते हैं और जब भी आप इंग्लिश कार्टून देखो या कोई टेक टॉक देख सकते हो आप कोई पॉडकास्ट देख सकते हो इस पे यूट्यूब पे ही ओके सो दीज आर माई सजेश्स फॉर लिसनिंग टू दिस लैंग्वेज ओके सो यू कैन टेक दिस आइडिया ओके सो दिस इज माई आई मीन आई एव वॉन्ट दिस प्रॉमिस फ्रॉम यू दैट लिसनिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज एवरी डे फॉर ट्वेंटी मिनट्स अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस अगेन दैट हाउ टू लिसन अब सुनना कैसे है लुक वंस यू आर लिसनिंग टू दिस लैंग्वेज यू हैव टू पोज आफ्टर वन सेंटेंस आपने एक सेंटेंस सुना आपको हर चीज नोटिस करनी है यू हैव टू नोटिस एवरीथिंग द वे दे आर स्पीकिंग द वे दे आर रिएक्टिंग आपको पता चलेगा सपोज उनकी आइज में लग गया ओके okay, सो so वो जो सेंटेंस बोलेंगे ओके लाइक इट इज हर्टिंग ओके ऐसा कुछ भी सेंटेंस जब वो बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा होने पर ये सेंटेंस बोला जाता है राइट right? तो आपको क्या करना है आपको जब भी कोई सेंटेंस सुनोगे आपको यू हैव टू द वीडियो आप पोस्ट करेंगे दैट वीडियो और उसी सेम सेम सेंटेंस को यू हैव टू रिपीट इन द टोन ओके आपको उस सेंटेंस को रिपीट करना है माइट भी पॉसिबल कि आपकी सिर्फ टू थ्री मिनट्स की वीडियो पूरी हो एक दिन में अगर आप ट्वेंटी मिनट स्पेंड करोगे एक वीडियो के लिए और आप सिर्फ टू थ्री मिनट्स की देख पाओ देन वेरी ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है ये भी इनफ है ठीक है लाइक आई एम वॉचिंग वन वीडियो एंड आई एम लिसनिंग टू वी आई एम लिसनिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज इन दैट वीडियो एंड येस आई वॉन्ट सब टाइटल्स ऑल्सो नीचे सब टाइटल्स आने चाहिए इंग्लिश में ओके okay, आपने एक सेंटेंस रीड किया आपने पोज किया वीडियो को यू एंड यू आर स्पीकिंग द सेम सेंटेंस ओके सो लाइक लिसन पोज रिपीट ओके सो दिस विल बी द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू दिस लैंग्वेज फॉर 20 मिनट्स एवरी डे ओके सो मे आई मूव फॉरवर्ड ओके सो आई होप आप इसको करेंगे नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर टेन मिनट्स एवरी डे फॉर द सेकेंड स्टेप यू हैव टू डू ओनली वन थिंग द सेकंड थिंग इज यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग दिस लैंग्वेज फ्रॉम द डे वन फॉर द थर्टी डेज यू हैव टू स्पीक एवरी डे इन इंग्लिश लैंग्वेज नाउ क्या बोलें किससे बोलें बोलें कैसे अगर वर्ड्स ही समझ में नहीं आ रहे यही क्वेश्चन है ना माइंड में So, मैं आपको बता देती हूं मैंने आपका जो स्पीकिंग प्रैक्टिस है उसके लिए एक्टिविटीज निकाल के रखी हैं यानी वन एक्टिविटी फॉर सेवन डेज और ओके okay, सो so मेरे पास आपके लिए फोर एक्टिविटीज हैं फॉर ट्वेंटी एट डेज एंड फॉर टू डेज आई एम गिविंग यू फ्री स्पीकिंग यू स्पीक वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक ओके वटेवर यू फील लाइक ओके सो फॉर द फर्स्ट सेवन डेज हाउ यू आर गोना स्पीक लाइक ओके आपको सबसे पहले सेवन डेज के लिए सिर्फ और सिर्फ वो बोलना है अपने आप से कि आपने पूरा दिन क्या किया अब वो आपको कैसे बोलना है एक्चुअली आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो यू कैन क्लिक ऑन दैट वीडियो एंड वॉच दिस ओके सो यू विल कम टू नो दैट हाउ टू स्पीक योर डेली रूटीन ओके टू योर सेल्फ ओके सो so, आपको क्या करना है फर्स्ट सेवन डेज के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही अपने आप से शेयर करना है कि आपने सारा दिन क्या किया वॉट यू नोटेस्ट ओके वॉट यू डिड यू हैव टू शेयर एवरी थिंग विद यू आई नो ओके सपोज इफ यू हैव अ पार्टनर आपके पास कोई इंग्लिश स्पीकिंग के लिए पार्टनर है देन वेरी गुड गो विद इट गो अहेड ओके बट अगर जिनके पास कोई पार्टनर नहीं है कोई फ्रेंड नहीं है जो इंग्लिश में बात कर सके सो so आप ये चीज ये आपके लिए है कि इफ यू हैव नो टू टॉक विद आप ये चीज कर सकते हैं जस्ट टेक योर फोन ओके एंड वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक लाइक यू आर यू हैव टेकन योर डेली रूटीन फॉर द फोर्स डेज फॉर टेन मिनट्स एवरी डे देन एट दैट टाइम यू जस्ट ओके आप बोलना शुरू करो अपने आप से ही शेयर करो ओके बी योर फ्रेंड अपने खुद के फ्रेंड बनो ओके okay? और उसके बाद आप अपने ही डेली रूटीन अपने आप से वीडियो में शेयर करो एंड इट विल एंड वन मोर थिंग दैट डू नॉट स्किप

सो दिस इज माई कंडीशन एंड वन मोर थिंग दैट वेन यू आर रिकॉर्डिंग योर वीडियो आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो अपना डेली रूटीन सेवन डेज के लिए शेयर कर रहे हो एट दैट टाइम वन थिंग डो नॉट रिपीट आइडियाज ओके मतलब एक लाइन आपने बोल दी उस लाइन को रिपीट में नहीं बोलोगे ये कंडीशन है एंड आपके जो थाट स्ट्रक्चर होगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए सेंटेंस नेक्स्ट होना चाहिए एंड येस डो नॉट पोज फॉर डो नॉट पोज फॉर रहेगा नो आई थिंक थ्री इनफ ओके no. uh, uh, okay? आप थ्री सेकंड से ज्यादा पोज नहीं लेंगे यू विल नॉट टेक मोर फॉर मोर देन थ्री सेकेंड्स कि आप थ्री सेकंड से ज्यादा पोज नहीं लेंगे रुकेंगे नहीं आप अगर बीच में स्टक हो गए इंग्लिश बोलते हुए आप सिर्फ थ्री से फोर सेकंड रुकेंगे इससे ज्यादा नहीं मानती हूँ आपको शुरू में प्रॉब्लम आएंगी कैसे बोलूँ बट वो एक दो दिन में नॉर्मल हो जाएगा डो नॉट हेजिटेट डू नॉट फंबल सो मच ओके क्योंकि पहले तो आप प्रैक्टिस अपने आप से ही बोलने की कर रहे हैं ना सो so, इजी रहेगा डेली अपना डेली रूटीन शेयर कीजिए अपने आप से सोने से पहले गिव योर सेल्फ टेन मिनट्स एवरी ओनली फॉर सेवन डेज ओके सॉरी एक्चुअली देर वॉज सो नॉइज सो आई चेंज माई प्लेस ओके सो लेट स्टार्ट अगेन so what i was saying that for the speaking practice you have to uh, speak every day on one topic and i have prepared i have written these seven topics for you okay and you can practice these topics how i tell you like once for the seven days you practiced your daily routine in speaking right and for the next 7 days for the next week you have to take these topics one by one for the 5 minutes you have to record your video but exactly actually the ideal time is 10 minutes but yes it might be possible uh, it will take time in starting so it may take 10 15 minutes so that's why i'm saying record for 5 minutes and uh, yes the condition is that when you are speaking this on these topics do not prepare your script do not do google in starting for the seven days you just have to read the topic you have to speak your thoughts in your video when you are speaking in the video do not take poses so long okay and just speak whatever is in your mind record analyze what how your body is communicating you uh i mean how are you like your gesture your confidence your voice modulation right and the, uh the way your body is responding uh, i mean is this uh if, if your hands movement is aligned your according to your uh, words, it is going that way so you have to notice everything in that okay? so these are the seven topic take one day one topic take screenshot of this now for the next seven days what you have to do you will get some situational questions okay so i am giving you seven questions for one day one question okay you just have to read one question and record your answer in your video for 10 minutes okay actually ideally it is 10 minutes but yes you can record for 5 minutes and you can think for 5 minutes but do not take so much time okay because i said half an hour means half an hour okay so let's start so like uh the first question like question is like you suppose uh you found one wallet, okay, what rupees two thousand you got two thousand rupees in that, so what would you do, and why? Okay, so this is the first question. Like this, you have these. Uh, you have seven questions. Okay, you can take screenshot of these questions, like I'm showing you. Wait. Uh, okay, so these are the seven questions. Okay, you can take screenshot of these questions and you have to answer these questions one by one every day. This is for the seven day. Just take screenshot and answer one by one on the daily basis. Do practice of ten minutes every day speaking. Okay, and record your video uh, now. The speaking practice for the next seven days. Okay, because how you have to do. You have to search. एनी पिक्चर फ्रॉम गूगल आपको गूगल पे कोई भी पिक्चर को सर्च करना है एनिमेटेड स्टोरी पिक्चर कुछ भी ओके right? मतलब okay, और उस पिक्चर को देख करके आपको उस पर सेंटेंड में फ्रेम करनी है और सेंटेंसिस बना करके बोलने हैं वीडियो में ओके टेन मिनट्स तक आप बोलेंगे उस वीडियो में पिक्चर से रिलेटेड एंड यस यू आई नो ये मैंने लास्ट में लिया बिकॉज इसको टाइम लगता है so uh, uh, okay, so लिया है आप इसको डेली बोलेंगे किड्स की कोई भी ओके okay, एनिमेटेड निकाल सकते हैं कोई फॉर्म की निकाल सकते हैं कोई फेरी लैंड की कोई कार्टून कुछ भी और उससे रिलेटेड आपको कुछ सेंटेंसेस टेन मिनट्स तक बोलने हैं आप फाइव मिनट्स तक बोल सकते हैं like Beginning that you can speak for five minutes, but for the next five minutes, you have to analyze your video. And now, how you have to analyze your video, I tell you. But before that, I just want to say that I have given you a complete study plan for the 30 days. I mean, for the 30 days, you have to speak in English language. And I have given you uh, for the 28 days, for the two days, you can speak according to you, or you can uh, speak what you want to speak. It is your choice, but do not skip, okay. You can take any uh, topic, uh, repeat also if you want to take. Okay. So, for the first one week, what I have given to you, I said speak your daily routine. For the next, uh, sorry, <clears throat> for the next uh, seven days, what I have given to you, I have given seven topics to you. And for the next seven days, I have given seven questions to you. And for the next seven days, I said that you have to. Uh, or, sorry observe the picture and you have to speak the sentences on that picture you can take picture from anywhere like from newspaper magazine from anywhere you can take so this is my study plan for you to speak in english for the 30 days challenge because once you do this challenge once you accept this challenge once you do this challenge without skipping a single day according to my way then definitely you are going to start speaking this language very sure but yes i'm not saying that you will be fluent in just 30 days very fluent like a native speakers no it takes time but ज ओके सो लेट स्टार्ट ओके नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ यू हैव टू एनालाइज योर वीडियो अपनी करना है आई मीन यू हैव टू नोटिस आई मीन यूर गेस्टर ओके लाइक द वे यू आर सेटिंग दिस और दिस or this okay you have to be straight you have to be you, you uh, should look like a confident personality okay you are uh, and your eye contact is important your eye you need to uh, do eye contact with the person you are communicating with okay like i am communicating with you so camera is my like uh, camera is my second person so camera is like second person for me with whom i am communicating okay so and the hands movement how your uh, open body language okay not like this ओके नो योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी ओपन स्पीक कॉन्फिडेंटली वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड टू योर माइंड जस्ट स्पीक दैट ओके डू योर हैंड्स मूवमेंट ओके एंड स्पीक अलाउड रीड ओके स्पीक अलाउड आप बोल रहे हैं और ये तो बिल्कुल सीक्रेट वाली ट्रिक है कि अगर आप ऊंचा बोलते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता है स्लो बोलने से ना कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ओके सो स्पीक अलाउड ओके यूज हैंड्स मूवमेंट ओके यू डी ओपन विद दिस लैंग्वेज Such way you will start loving this language once you do this. I promise you that once you do this challenge, I mean, then definitely you will get another path to be more accurate in this language, right? Okay, you know, speaking English language is challenging until you start actually doing it. I mean, once you are gonna learn this language, then definitely you are gonna only don't only you are gonna speak, not only speak, you are gonna enjoy this language while speaking. मतलब कोई भी काम जब तक आप स्टार्ट नहीं कर देते हो वो सिर्फ तब तक ही मुश्किल होता है जब आप उस काम को स्टार्ट कर देते हो कर लेते हो तो दैट वर्क इज़ नो मोर डिफिकल्ट राइट सो स्टार्ट कीजिए इस लैंग्वेज को और टाइम तो निकाल ही लोगे ओके टेल मी वन थिंग घर में कोई भी काम एकदम अर्जेंट आ जाए तो उसके लिए भी एकदम से टाइम निकाल ही लेते हो ना अगर इमरजेंसी वाला हो सो so आप देखते हो कि कैसे टाइम निकल गया एकदम इसके लिए भी So, you are gonna get time for this work also because it is significant, right? And it is gonna help you so much. Okay, so now in the last, I just want to say. दैट आप सब मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने इंग्लिश अगर सीख ली है तो कितने टाइम में सीखी अगर नहीं सीखी है सो so आपको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आती है किस एरिया में प्रॉब्लम आती है कहाँ पे प्रॉब्लम आती है टेल मी इन कॉमेंट बॉक्स एंड अगर आपको इस वीडियो ने हेल्प किया है देन काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस चैनल फॉर योर फीडबैक एंड येस शेयर दिस वीडियो जिनको भी नीड है ओके थैंक यू ओके एवरी वन Wish you a very happy new year in advance, and this is my gift for you. Okay, bye bye everyone. Dimple This Side signing off.